आज हम ग्रामीण विकास में ग्रामीण भारत से संबंधित नवीन योजनाएं पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, इसको बोलते हैं मनरेगा, ठीक है। अब देखिए मनरेगा में क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मनरेगा का कार्यान्वयन 3 चरणों में संपन्न हुआ। योजना का प्रारंभ प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 से 22 जनपदों में, दूसरा चरण 15 मई 2007 से 17 अतिरिक्त जनपदों में तथा तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 से सभी जनपदों में। इस योजना का उद्देश्य एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों का अंश 75:25 है, अर्थात इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अकुशल मजदूरी पर 100% अंश तथा सामग्री अंश पर भारत सरकार का 75% अंश एवं राज्य सरकार का 25% अंश है। मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया। शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2000 को इसका पुनः नामकरण किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार ने 3 जून 2001 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से की थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना और उन्हें तब तक संपोषित करना और सहायता देना जब तक वे दयनीय गरीबी स्तर से ऊपर नहीं उठ जाते। अब चलते हैं रफ्तार योजना। ये किसकी? भारत सरकार ने मूल्य श्रृंखला कताई पश्च अधोरचना एवं कृषि उद्यमिता विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्तमान में चल रही केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को रेम्यूनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रेजुवेनेशन रफ्तार के रूप में 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि में चलाए जाने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को निधियां 60:40 यानी 60:40 के अनुपात में, विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को 90:10 के अनुपात में प्रदान की जाएगी। यह योजना कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन और कारोबारी मॉडलों का समर्थन करेगी, जिससे किसानों की आय को अधिकतम करने में मदद मिलेगा। इसके लिए ₹15,722 करोड़ का बजटीय प्रावधान आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लिया है। भारत नेट योजना दूसरा चरण। केंद्र सरकार ने दूरदराज क्षेत्रों, देश की सभी ग्राम पंचायतों हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा की को मार्च 2019 तक में ब्रॉडबैंड सेवा मुहैया कराने के लिए भारत नेट योजना का दूसरा और अंतिम चरण 13 नवंबर 2000 को आरंभ किया। भारतमाला परियोजना आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन को गति प्रदान करने के लिए के उद्देश्य से संघीय मंत्रिमंडल ने 24 अक्टूबर 2017 को राजमार्ग विकास की मेगा परियोजना भारतमाला को अनुमोदन प्रदान किया। यह परियोजना गुजरात राज्य से प्रारंभ होकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश होते हुई मणिपुर, मिजोरम में भारत म्यांमार सीमा तक
आएगी। प्रधानमंत्री वन्य वंदना योजना। प्रधानमंत्री वन्य वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना है। यह योजना मार्च सन 2020 तक खुली रहेगी और इसे GST से मुक्त रखा गया है। इस योजना में कम 1.5 लाख और अधिकतम 7.5 लाख का निवेश किया जा सकता है। इसके तहत पेंशन मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक प्राप्त की जा सकेगी। 1.5 लाख के निवेश पर मासिक पेंशन ₹1,000 होंगे। संपदा योजना। संपदा योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। संपदा योजना को 3 मई सन 2017 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह योजना देश में न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि लाने, किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने तथा किसानों की आय को दुगुना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की आय को दुगुना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के भारी अवसरों का सृजन करने, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने, असंस्करण तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के स्तर को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को मंजूरी 8 फरवरी सन 2017 को दी गई। इस अभियान का उद्देश्य मार्च सन 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है और यह शिक्षा का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम होगा। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील कार्यक्रम को एक केंद्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू किया गया था। इसके पश्चात सितंबर सन 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए मेनू आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत न्यूनतम 200 दिनों हेतु निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान है। मिड डे मील कार्यक्रम एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम है तथा यह राष्ट्र की भावी पीढ़ी के पोषण एवं विकास से जुड़ा हुआ है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देना, विद्यालयों में छात्रों के नामांकन में वृद्धि तथा छात्रों को स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहित करना, स्कूल ड्रॉप आउट को रोकना, बच्चों की पोषण संबंधित स्थिति में वृद्धि तथा सीखने के स्तर को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं। निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना को कब शुरू किया गया था? जुलाई सन 2005 में। निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना था। निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना कब शुरू की गई? सितंबर सन 2005 में। निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना का उद्देश्य क्या था? कक्षा 1 से 5 तक के सभी ग्रामीण और नगरीय मलिन बस्तियों की छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराकर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा का स्तर ऊंचा करने हेतु। बालिका श्री योजना की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष सन 2006 में। बालिका श्री योजना का उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यूनिफॉर्म एवं बाइस्किल अनुदान योजना की शुरुआत कब की गई? वित्तीय वर्ष सन 2003 और 4 में।
यूनिफॉर्म एवं बाइस्किल अनुदान योजना की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6 से 12 तक की उन गरीब छात्राओं के लिए जो विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में नहीं पढ़ती हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब की गई थी? अगस्त सन 2004 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बालिकाओं की अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना। इस योजना को सन 2008 से नए लक्ष्यों के साथ मजबूती से अमल में लाया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या था? यह योजना पिछड़े वर्ग के छात्रों को नियमित छात्रवृत्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। योजना कब से संचालित है? सन 2008 से इस योजना का नियमित रूप से संचालन किया जा रहा है, जबकि इस योजना का प्रारंभ अगस्त सन 2004 में ही हो गया था।